नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हो अपने चैनल एडवेंचर विद विनोद को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूँ। थंबनेल और टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, तो सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपकी बाइक के जो इंश्योरेंस होती है उसको आप कैसे कैसे करवा सकते हो। तो उसमें एक ऑप्शन होता है, आप किसी से पैसे दे के करवा लीजिए या किसी बैंक से जाके करवा लीजिए या एजेंसी से जाके करवा लीजिए। ये सब होता है बहुत भागदौड़ वाला काम, जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं होता। कई बार इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है इंश्योरेंस, तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है, कहाँ भाग के जाओगे और कहाँ पर कराओगे। तो उसी सब का सोल्यूशन निकालते हुए मैंने एक आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ और आपको भी इससे ज़्यादा काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये प्रोसेस, जिससे कि आप अपनी बाइक का जो इंश्योरेंस होता है उसको आप घर बैठे कर सकते हो, जस्ट अपने मोबाइल के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ। तो फिलहाल मैं इसको मोबाइल में बताऊंगा। मोबाइल सभी के पास होता है, कंप्यूटर फिलहाल किसी किसी के पास नहीं होगा, तो मोबाइल से बताऊंगा, काफ़ी इजी प्रोसेस है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा फेमस एप्लीकेशन, जिसको आप जानते भी होंगे, फ़ोन पे से कैसे इंश्योरेंस करते हैं। तो सबसे पहले उससे कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताऊँगा एको से। तो सबसे पहले फ़ोन पे से शुरू करते हैं। अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा फ़ोन पे वाला, फ़ोन पे से कैसे आप बाइक इंश्योरेंस कर सकते हो ऑनलाइन। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने फ़ोन पे ओपन कर रखा है और नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे आएगा बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो मैंने इसमें बाइक इंश्योरेंस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसमें हो जाएगा स्टार्ट। तो इसमें मेरा पहले से ही मतलब मोटरसाइकिल का नंबर ऐड है, तो उसे मेरा बता रहा है कि आपका जो बाइक इंश्योरेंस है वो 13 दिन बाद ख़त्म होने वाला है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल नया इंश्योरेंस नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यहीं से बता दूंगा कि फ़ोन पे से इंश्योरेंस कैसे करवाते हैं। तो फिलहाल यहाँ रिज्यूम का ऑप्शन आ रहा है, रिज्यूम का मतलब कि मैं उसी पर दोबारा इंश्योरेंस कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो इसमें जब आपका नया होगा तो आपको यहाँ पर न्यू आएगा, तो रिज्यूम को मैं दबाऊँगा। तो रिज्यूम दबाते ही फिर से मेरे पास प्लान आ गए हैं, तो इसमें सारे के सारे प्लान आ गए हैं और ड्यूरेशन भी आ गई है कितने साल के लेना है। तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 साल तक के लिए प्लान ले सकता हूं। और इसमें ऑप्शन और भी है, इसमें ऑन डैमेज भी है और थर्ड पार्टी भी है और कॉम्प्रहेंसिव भी है। तीनों का भी मैं बता दूंगा कि क्या इनमें फ़र्क होता है, तीनों में से कौन सी लेनी चाहिए। तो इसमें आप लोग देख सकते हो और पढ़ सकते हो तीनों का क्या क्या मतलब होता है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो इसमें आती है कॉम्प्रहेंसिव होती है, इसमें हर चीज़ की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अभी इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं इंश्योरेंस वाले पेज पे और मैं इसमें टाटा AIG सेलेक्ट कर लेता हूं और इसने ऑलरेडी इसमें पॉलिसी नंबर मेरा ओल्ड वाला उठा लिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं और कंटिन्यू करने के बाद ही मैं इसे सीधा सीधा यहां से पेमेंट मांगी जा रही है। अगर मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा, बाय नाउ कर दूंगा, तो यहाँ से पेमेंट कट जाएगी और मेरी इंश्योरेंस की PDF मुझे मिल जाएगी। कुछ केसेस में होता है कि जैसे आप नई फर्स्ट टाइम बाइक आपका पहले कभी, जैसे कि पहले ICI से हो रखा है और अभी आप इसको टाटा से AIG से कराना चाहते हो या किसी और भी बैंक से या किसी और कंपनी से फाइनेंस कर दोबारा से मतलब इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, तो उस केस में ये हो सकता है कि उसके बाद डाटा सेव नहीं होता नई कंपनी के पास, तो वो आपके RC का जो चेसी नंबर होता है और इंजन नंबर होता है वो मांग सकते हैं। तो आपको जब भी आपने इंश्योरेंस करना है उस टाइम आपने अपने साथ चेसी नंबर और इंजन नंबर लेके रखना है, जो कि RC पे मेंशन होता है। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर कर लें। अभी मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ, पर अभी बाय नहीं करूँगा, मेरे को 15 दिन का टाइम है, 15 दिन बाद मैं इसको बाय करूँगा। तो अभी आपने देखा फ़ोन पे से कैसे इंश्योरेंस करते हैं, तो मैंने आपको प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसमें RC आपको साथ में ज़रूर रखना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन इंश्योरेंस कर रहे हो अपने आप। कहीं पे RC में चेसी नंबर और इंजन नंबर आपसे मांगा जा सकता है, तो इसलिए आप साथ में रखिए, क्योंकि कई बार होता है पेज लोडिंग एरर वगैरह हो सकता है, तो साथ में रखिए। फ़ोन पे से मैंने आपको बता दिया, अब शुरू करते हैं एको से, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा अच्छे प्लान देती है। और एकदम मतलब कि इस वाली पे फ़ोटो आपसे नहीं मांगा जाता बाइक का, फ़ोन पे कई बार हो सकता है मांग सकते हैं, पर ज़्यादातर समय के लिए नहीं मांगते। अगर उसमें गाड़ी का उसका मॉडल नंबर अगर आपको सही मिल जाता है, अगर आपकी बाइक का मॉडल नंबर काफ़ी ज़्यादा पुराना है तो उसमें कई बार मांग सकते हैं, पर एको में नहीं मांगते और इसमें आपको करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसका कोई एप्लीकेशन तो मैंने डाउनलोड कर नहीं रखा, शायद होता भी होगा, मैंने इसको सीधा ब्राउज़र से किया है।
और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ जाके बाइक इंश्योरेंस सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपने वहाँ से एको का जो फर्स्ट लिंक आएगा उसको खोल लेना है। तो चलिए फिर प्रोसेस शुरू करते हैं। ये आपको क्रोम से करना है, क्रोम से जाके उसको एको से जो होती है एक बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, बहुत अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी देती है यहाँ से भी। तो आपको जाके एको से अगर करवानी है तो आप वहाँ से भी करवा सकते हो, एक ऑप्शन वो भी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा बाइक इंश्योरेंस। तो फिलहाल मैंने सर्च कर रखा है, मैंने बाइक इंश्योरेंस सर्च कर लिया, उसमें सबसे ऊपर एको ही आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत अच्छे से करते हैं पॉलिसी। तो इसमें भी मेरा ऑलरेडी पहले से बाइक नंबर मेंशन है, आप देख सकते हो। तो बाइक नंबर मेंशन होने की वजह से मैं डायरेक्टली इसे मैं बाय कर सकता हूँ क्योंकि मैं चेक करता रहता हूँ। और इसमें कॉम्प्रहेंसिव वाली 948 की आ रही है और थर्ड पार्टी आ रही है 714 रुपये की, जिसको मैं कभी नहीं करवाने वाला। अब ये बता दूँ कि कॉम्प्रहेंसिव में मुझे क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। तो इसमें मुझे मिल रहे हैं एक्सीडेंट का फ़ायदा मिल रहा है, फायर का मिल रहा है, चोरी का मिल रहा है, और अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जैसे कि सुनामियाँ हो जाती है या कहीं आग लग जाती है या बाढ़ में मेरी बाइक फंस जाती है या डूब जाती है, तो उसमें मुझे इसमें मिलेगा। और थर्ड पार्टी जो मेरे साथ जैसे किसी सामने वाले एक्सीडेंट हो गया उसको भी इसमें कवर मिलेगा, और पर्सनल एक्सीडेंट का कवर तो इसमें है ही है। और इसमें किस चीज़ का कवर नहीं मिलेगा इस इंश्योरेंस में, इसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो है नॉन एक्सीडेंटल डैमेज, मतलब कि आपके आपने अपने आप गाड़ी को तोड़ लिया है और आप उसको जाके कवर लेना चाहते हो कि मुझे इंश्योरेंस के अंदर कवर मिल जाएगा, तो वो नहीं मिलेगा। इनलीगल ड्राइविंग उसमें आता है, जैसे आप नशे वगैरह करके चला रहे हो या रॉन्ग साइड से आके आपने मार दिया, रेड लाइट जम करके आपने गाड़ी एक्सीडेंट कर दिया, तो उस केस में भी आपको नहीं मिलने वाला कवर इसमें। और अगर आपने मतलब कि अपने जो टायर वगैरह होते हैं, टायर वगैरह फटने का और अगर इंजन वगैरह फॉल्ट होने का कुछ भी, तो उसमें इंश्योरेंस कवर नहीं होता। तो इन सब चीज़ों में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये प्लान था एको का जो कि बिल्कुल साफ सिंपल है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाना है तो उस टाइम आपको RC साथ में लेके चलना पड़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं अगर आपसे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या फर्स्ट टाइम कर रहे हो इससे, तो आपको RC साथ में लेके चलना पड़ेगा और आपको उस टाइम चेसी नंबर और इंजन नंबर आपसे मांग सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बैक और अपने प्लान के हिसाब से मैं इसको 1 ईयर सेलेक्ट कर लूँगा। आप 3 ईयर तक सेलेक्ट कर सकते हो, सभी जगह ऑप्शन है, 3 ईयर तक एक बार में आप ले सकते हो। करने के बाद इसमें 1298 रुपये आ रहा है GST वगैरह ऐड करके। उसके बाद फिर मेरी डिटेल ऑलरेडी पहले से सेव है सारा कुछ, बस मैंने इसमें सेलेक्ट करना है कि आपकी पॉलिसी किस डेट से स्टार्ट करना चाहते हो आप एक मतलब कि जैसे मेरी 15 दिन बाद अगर ख़त्म होने वाली है पॉलिसी, तो उसको मैं अपने डेट के हिसाब से अकॉर्डिंग कि 15 दिन बाद वो पॉलिसी मतलब डेट की तैयार होकर मुझे मिल जाए। तो इसमें मैं कल की भी कर सकता हूँ, 1-2 दिन की डेटें दे रखी हैं और अपने हिसाब से भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये सब करने के बाद जैसे मैं टुमारो सेलेक्ट कर दिया, इसमें कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद इसमें सारी डिटेल आ जाएगी और इसमें एंटर कार नंबर, अगर आपने कुछ और ऑप्शन के लिए इसमें नीचे दिया हुआ है वो नहीं है आपका, इसमें सारी डिटेल दे देंगे सारा कुछ, ठीक है। और इसमें वैल्यू मैंने काफ़ी ज़्यादा हाई कर रखी है, इसमें मिनिमम वैल्यू आप कम से कम भी कर सकते हो अपनी बाइक का। वैल्यू ऐसे होती है कि आपकी बाइक की वैल्यू होती है, अगर आपकी बाइक को कुछ हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उस हिसाब से आपको उसके पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कवर के। तो मैंने बाइक की वैल्यू हाई की है तभी मेरी इंश्योरेंस महंगी जा रही है। उसके बाद सीधा मेरे पास ऑप्शन आया था पे का, पे करते ही मुझे PDF में डाउनलोड हो जाएगी मेरी इंश्योरेंस और उसको कहीं से प्रिंट निकलवा के मैं आराम से अपनी बाइक को चला सकता हूँ। ये था एको के ज़रिए करवाने का तरीका और बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शुद्ध है एकदम, मतलब कि कोई भी इसमें ज़्यादा भाग दौड़ वाला काम नहीं है, बिल्कुल आप अपने आप घर पर बैठ के भी कर सकते हो। तो मैंने एको से और फ़ोन पे से 2 ऑप्शन से बता दिया है, बाकी भी और बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए हो सकता है, पेटीएम से हो जाता है, अमेजोन से हो जाता है, फ्लिपकार्ट से भी हो जाता है शायद। तो इनसे भी अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं करके दिखा दूंगा। फिलहाल मैंने आपको 2 सबसे ईजी एप्लीकेशन बता दी है, उससे आप घर बैठे आप अपना वो करवा सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि एको से कैसे करते हैं इंश्योरेंस और फ़ोन पे से कैसे करते हैं इंश्योरेंस, दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, आपको जौन सा ईजी लगे उसे आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप फ्लिपकार्ट, पेटीएम या अमेजोन पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे फाइनेंशली काम होता है पैसों से रिलेटेड, वहाँ से आप इंश्योरेंस कर सकते हो, मोबीक्विक भी उसमें ही आता है। तो ये सभी जगह से आप लोग अपना इंश्योरेंस ऑनलाइन कर सकते हो,
बहुत ही आसान होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि बाइक इंश्योरेंस करना कितना बड़ा मुश्किल टास्क है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, थोड़ा सा चलाना आना चाहिए, आप आराम से घर बैठे कर सकते हो। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताया है, इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप जाके क्वेश्चन में से पूछ सकते हो, मैं उसमें पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते थे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।